मध्य प्रदेश के थानला वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत कुशलपुरा ग्राम के समीप वहां के स्थानीय युवाओं की सूचना पर वन मंडल अधिकारियों ने खटावला कुशलपुरा मार्ग पर सागौन व जलाऊ लकड़ी से भरा टेम्पो क्रमांक MP 45 LA 255 पकड़ा है। कुशलपुरा युवाओं के अनुसार वन मंडल की लापरवाही संदेह के घेरे में बताई जा रही है। परिक्षेत्र सहायक ओम सिंह सिसोदिया द्वारा आरोपी गौर सिंह भाभोर को बयान लिए बिना ही जमानत पर छोड़ देना उनके कार्य प्रणाली पर शक जाहिर करता है, जबकि आरोपी के पास से किसी भी स्थान का कोई भी पास ऑर्डर नहीं मिला था। वहीं वन परिक्षेत्र सहायक ने बताया कि उन्होंने सागौन के 3 मीटर तक के 2 नग के साथ जलाऊ लकड़ी गाड़ी सहित जब्त में ली है। वही लकड़ी का वजन कर उसकी कीमत करवाई जा रही है। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से कुशलगढ़ रोड स्थित जंगल, पेटलावत के भेरू घाट स्थित जंगल व काकनवानी के निकटवर्ती जंगलों से बहुमूल्य सागौन की लकड़ी की अवैध तस्करी देखी गई है, लेकिन वन मंडल के अपने चेक पोस्ट होने के बावजूद इसकी तस्करी आसानी से हो रही थी। इस बार भी यदि गांव के जागरूक युवा कार्यवाही नहीं करते तो निश्चित ही इस बार भी सागौन की तस्करी हो ही जाती। विगत एक पखवाड़े से थानला में कोई जिम्मेदार वन अधिकारी नहीं है, जबकि इसका प्रभार पेटलावत रेंजर को दिया गया है, जिन्हें कई अन्य जिम्मेदारियां भी है। ऐसे में थानला वन परिक्षेत्र में आने वाले वनों और वन भूमि पर वन रक्षक की उदासीनता का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। रात को करीब 9 बजे मुखबिर की खबर मिले थे, वो सूचना पे हमारा स्टाफ गया था कुशलपुरा में, ये थे बामनिया कलिया के वहाँ पे। तो एक टेम्पो है MP 45 LA 255 नंबर का, जिसमें सागौन की 2 बल्ली और जलाऊ है, मिश्रित भी है, उसमें कुछ सागौन की भी जलाऊ हो सकती है। उसके साथ में उसको जब्त किया था और जब करके इसको थाना रेंज कैंपस में रखा है। आरोपी जो टेम्पो का मालिक है वही चालक भी है, गौर सिंह पिता इंदु भाभोर, ये कुशलपुरा का ही निवासी हैं। और वनोपज जहाँ एकत्रित की गई थी वो जो हुकिया पिता गलिया निवासी कुशलपुरा के घर के पास के ये घटना है। इसको मौके से टेम्पो को जब्त किया और वनोपज उसके साथ में लेके आए हैं। हाँ, जहाँ भी इस तरह के वनोपज के परिवहन में या इसकी चोरी में वाहन लिप्त होता है तो रसद की प्रक्रिया तो रही है। नहीं, इसमें कुछ हेर फेर की तो संभावना नहीं है, क्योंकि मौके पे उस समय 100 डायल और पुलिसकर्मी भी साथ में थे और वनकर्मी पुलिसकर्मी के सामूहिक प्रयास से वाहन को जब्त करके यहाँ तक लाया। तो बीच में ऐसे कोई हेरा फेरी की तो संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश